हेनरी, हेनरी वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, हेनरी वॉल्यूम कम। मुझे टीवी देखना है, समझे? अगर म्यूजिक सुनना है तो हेडफोन्स लगाकर सुनो। दोबारा वॉल्यूम बढ़ाया तो थप्पड़ लगाऊंगा। यस, देखा, अब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और डैडी भी ऊपर नहीं आएंगे। मिशन हैलोवीन मना शुरू हो चुका है बॉस। ट्रिक और ट्रीट। ये लो बेटा। ये क्या है अंकल? बच्चा समझाए क्या आपने मुझे? आपके घर पे अंडे फेंक के मारूंगा। ऐसा क्या? हाँ अंकल, हेनरी ने मुझे सिखाया है। मैं जानता था, लेकिन रुको, मेरे पास शायद तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो, जितना भी चाहे ले लो। लाइफ सेट है। डैडी ने मेरे टॉफीज क्यों दिए? हैलोवीन आ गया है तेरा हीरो। सूजन कॉस्ट्यूम में झाड़ जैसी लग रही है और वो सिर पर मुर्गे जैसा क्या बना रखा है? वो बाजू वाली मेरी आंटी ने तो सड़ी गले चॉकलेट्स दिए थे। मुझे लगता है वो पिछले साल के थे। मैं जानती हूँ ये कोई ट्रिक है। मिल गया माल मसाला। अब कल्लू कालिया सबका बैंड बजाने के लिए आ गया है। देखो मैं टॉयलेट पेपर लगाता हूँ, तुम जाके चॉकलेट्स लेके आना। क्या क्या बोलता है, ले लूँ क्या? ऐसा क्यों? वो असली भूत तो नहीं हो सकता है ना? ऐसा क्यों? नहीं, कभी नहीं, वो हमारा है। मुझे स्विमिंग नहीं आती। ये हुई ना बात। किसकी शामत आई है यहाँ? अरे पर शैतान जैसे कुछ नहीं होता। कोई सबको डरा के उनके चॉकलेट्स छीन रहा है और हमें लगता है कि वो हेनरी है। हमारे हैलोवीन का सत्यानाश कर दिया। अंकल प्लीज उसे रोको। सॉरी, हेनरी को पनिशमेंट मिली है, वो आज घर के बाहर नहीं जा सकता। वो तो आपको फंसा के चला गया होगा। एक मिनट, आज के दिन भी उसे सजा मिली। हाय बेचारा हेनरी। हेनरी, हेनरी, हेनरी अपने कमरे में ही है। मैं अभी अभी उसे देखकर आया हूँ। ओह नो, सच में कोई कल्लू कालिया है? Wow!
उसे, उसे लगता है वो कितना स्मार्ट है। वैसे उसके बहुत चाहने वाले हैं। तो वो मेरा पांचवा सफल चुनाव था या फिर छठवा था? ये तो कुछ ज्यादा ही वार है। हे हेनरी रुको, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किसके लिए? वर्ल्ड जेली बेबी कॉन्टेस्ट के लिए? नहीं, तुम्हारे स्कूल काउंसिल का। तुम हमारे स्कूल काउंसिल के लिए खड़े हो? हाँ, मेरी मिस बैटल एक से पहले ही बात हो गई। ऐसा कोई नियम नहीं जो मुझे रोक सके। पर ये तो हमारा स्कूल काउंसिल है, तुम तो स्कूल के भी नहीं हो। वैसे आज तो मैं पढ़ रहा हूँ और फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। बस बहुत हो गया, अब मैं चुनाव के लिए लड़ूंगा। अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो मैं तुम्हारी कैंपेन मैनेजर बनूंगी। हाँ, तुम्हारी कैंपेन मैनेजर, मैनेजर्स। थैंक यू। शायद तो क्या हमारे दोनों उम्मीदवार ये बताना चाहेंगे कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो उनके वादे क्या होंगे? बिल्कुल मिस बी, अगर मैं आपको इस नाम से बुला सकूं तो। मेरा संदेश बड़ा ही आसान है। मैं भी आसानी सुनना चाहूँगा। मैं एस्टन को महान बनाने का वादा करता हूँ। क्या कहा? एस्टन कभी महान था? पागल मत बनो हेनरी। मतलब मैं जानता हूँ ये हमारा घर है और फुटबॉल टीम बुरी नहीं है और बर्गर की दुकान है, पार्क भी है, पर ये जगह महान नहीं है। सही कहा हेनरी, तो मैं इसे फिर से महान बनाऊंगा। पर अब मैं क्या कहूँ? मुझे यकीन है तुम कुछ सोच ही लोगे। हाँ, सोच ही लोगे। थैंक्स। वैसे मेरा मिशन भी सिंपल ही है। अगर मुझे चुन लिया जाता है तो मेरा वादा है कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और सभी के लिए चॉकलेट मिल्कशेक। बहुत खूब हेनरी, बहुत खूब। वैसे मैं अब भी जीत जाऊंगा। तुम क्या सोच रहे थे? सोच नहीं रहा था। ये मजाक नहीं है हेनरी, तुम्हारे लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाई है। वैसे मैंने तो नहीं कहा था। नहीं कहा था, पर अगर तुम सोचते हो कि मैं उस गोल नाक वाले छुचंदर को मेरा लीडर बनने दूंगी। वो ऐसा नहीं सोचता है मार्गरेट। चलो काम की बात करें। ठीक है, तो हेनरी तुम्हारा घोषणा पत्र। हाँ, घोषणा पत्र। हाँ, मुझे लगा मैंने कमाल कर दिया। बेकार है। क्या? मैंने कहा बेकार है, मैं बताती हूँ क्यों। जरूर बताओगी? वो बेकार है क्योंकि पहली बात, एक तुम ही हो जिसे अक्सर सजा मिलती रहती है, तो उससे छूट मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही चुनाव जो सही और समान होगा, पर मुझे नहीं लगता। यही तो। और दूसरी बात, हम जैसे लोगों को होमवर्क करना अच्छा लगता है। सच में? हाँ, लगता है। ये एक खास तरीके की दिमागी एक्सरसाइज है जिससे ज्ञान बढ़ता है और आप बुद्धिमान बनते हैं। चॉकलेट मिल्कशेक का क्या? एक दो वोट तो मिल ही जाएंगे। सभी को चॉकलेट मिल्कशेक पसंद नहीं होता हेनरी। हेनरी को वोट दो। बस बॉयज तो तुम्हारे साथ हैं, ये तो अच्छी बात है। सच में? चिंता मत करो हेनरी, हम तुम्हारे साथ हैं हर दिन पूरी तरह से। हुर्रे! बढ़िया, अब मैं तो पक्का हारूंगा। तू मेरा साथ क्यों दे रहा है? तुझे तो काउंसिल में शामिल होना था। हमने मिलकर ये फैसला लिया है कि अलग अलग चुनाव लड़ना हमारे लिए सही नहीं होगा। अच्छा। हम अपने बीच मुकाबले में भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि बेस्ट बॉयज की खुशी इसी में है कि तुम जीतो, और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, इसीलिए हम तुम्हारे साथ हैं। मैं क्यों? स्टीव क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो हेनरी, और तुम दोनों में से ज्यादा अच्छे हो। वेल, कम से कम सच तो बोला। थैंक्स कीड़े। तो बेस्ट बच्चा जीतेगा। वोटिंग की शुरुआत की जाए। लेकिन एक बदलाव है। मिस बैटल एक्स की सलाह पर मैंने फैसला किया है कि दोनों में से बड़े को शुरुआती बढ़त दे दी जाए। So easy being me, I'm hard-headed.
नहीं होता, वो मुझे अब भी लड़की समझती है। काश तुम मेरे लिए सफाई कर सकती हो। शायद कर सकती हो। मैं अब भी भूखा हूँ और टी के लिए अभी भी हाउस हॉट पॉट है। ये लो फ्लफी, क्रिसमस और बर्थडे एक साथ मनाओ, मजे करो। शैतान बिल्लियों की सिर्फ एक ही जगह है और वो घर के बाहर है। माफ करना फ्लफी। यहाँ थोड़ा सा बचा है या शायद नहीं। हम खाना बाहर से मंगवा सकते हैं ग्रेटा एंड ग्रेटा। ओह हेनरिएटा, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन हमें तुम्हारी मॉम के घर आने के बाद उनसे पूछना होगा। और वो जानना चाहेंगी कि तुम ठीक से रहे थे या नहीं। बिल्कुल वो जानना चाहेंगी ग्रेट आंट ग्रेटा, और हम इस दोपहर को ज्यादा अच्छे से रहने वाले हैं, है ना हेनरी? लगता तो है। यकीन होता है मैं यहाँ बैठकर आई एम अ लेडी मैगजीन पढ़ रहा हूँ। कौन जानना चाहेगा 50 तरीके से तकिए का कवर बनाना, या फिर 99 चीजें 99 के होने से पहले करे। ओह इसे देखो ग्रेट आंट ग्रेटा, यहाँ पर दिया है कैसे खुद के बुनाई वाले प्रोजेक्ट को 27 आसान स्टेप्स में बनाए। मुझे अच्छे बुनाई वाले प्रोजेक्ट बहुत पसंद है। समझे मेरी बात? देखो मुझे क्या मिला है। क्या है ग्रेट आंट ग्रेटा? कैसे अच्छे बने। ओह क्या आप मुझे पढ़कर सुनाएंगे ग्रेट आंट ग्रेटा? बिल्कुल मैं सुनाती हूँ पीटर। लिखा है कैसे बने अच्छे। कैसे बने अच्छे क्या? एलिफेंट, कैंगरू। तो फिर ये रहा, आज रात बाहर का खाना खाने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। ओह शुक्रिया ग्रेट आंट ग्रेटा। मैं अब छोटे मेरा मतलब है बड़े बच्चों के कमरे में जा रहा हूँ। मेरा क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे भी जानना है कि अच्छे कैसे बने। ओह हेनरी, वो मेरे जानने के लिए है और तुम्हारे पता करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? हेनरी मैगजीन को छोड़ दो। चलो देखते हैं, जब मॉम घर पर आए तो स्वादिष्ट खाना तैयार रखे। हम बाहर से खाने वाले हैं तो ये तो हो गया। कचरा साफ कर देना। मेरा कचरा साफ करने में थोड़ा ही टाइम लगेगा। हाँ भाई हाँ। कुछ मिनट थोड़ा फ्रेश हो लो, जैसे ये होने वाला है। उन्हें देखकर खुश रहो। मेरे ख्याल से थोड़ा सो लो, इसके पहले मॉम आ जाए और मुझे अच्छा बनना पड़े। टाइम क्या हुआ है? 5 बज गए, मॉम बस घर आती ही होगी। तुम्हारी मॉम का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो घर 5 मिनट में पहुंच जाएंगी। 5 मिनट? उन्होंने कहा उन्हें अपना मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है। ओह मुझे यकीन है वो कहीं तो होगा। It's so easy.
राल्फ के पापा को देख लो। तंदुरुस्त आय के पापा परफेक्ट है। एक्सरसाइज तो परफेक्ट नहीं पर आय को पसंद है। मोटे बर्ड के पापा परफेक्ट है, उसे स्कूल तक लिफ्ट तो मिलती है। और निक के पेरेंट्स काफी कूल है। वाओ हेनरी, वेलकम। पर वो थोड़े अजीब है, इतने भी परफेक्ट नहीं, भले वो हमें देर तक जागने और कुछ भी खाने देते हैं। शायद बेवकूफ मार्गरेट के पेरेंट्स को हम परफेक्ट कह सकते हैं। उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, पर कभी कभी ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, सिर्फ ये डॉगी नहीं लाते तो बेहतर होता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने अभी अभी देखा कि परफेक्ट पेरेंट्स असल में कैसे होते हैं। अब ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स कितने परफेक्ट हो सकते हैं। ये शो परफेक्ट चमचों के बारे में नहीं बल्कि परफेक्ट पेरेंट्स के बारे में है। हेनरी, कैसे हो तुम? हेलो मैम। आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा रहा? खास नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम स्कूल से आते वक्त रास्ते में भीग तो नहीं गए ना बेटा? बर्ड के पापा ने मुझे लिफ्ट दे दी। ओह, कितने अच्छे इंसान है। तो हेनरी, चाय के साथ क्या खाओगे? सैलेड नहीं प्लीज। अरे बिल्कुल नहीं हेनरी, मुझे पता है तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं है। तुम्हारा भाई लगता है अच्छे मूड में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। फिक्र मत करो हेनरी, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उसे चुप करा दूंगी। क्या मैं ग्रॉस क्लास ब्रेकआउट देख सकता हूँ? और तुम्हारा होमवर्क? थोड़ा ही है। तो ठीक है, तुम्हारे पापा आकर तुम्हारा होमवर्क कर देंगे बेटा। देखा, परफेक्ट पेरेंट। तो देखते हैं ग्रॉस क्लास जीरो। लो बेटा खा लो हेनरी। डैड, क्या ये गाजर है? एक बार ट्राई तो करो। वाह, ये तो चिप्स है। सही कहा, मम्मी मजाक के मूड में थी। केचप है? डंटनन, केचप कैसे भूल सकता हूँ। कितना यम्मी है। मजेदार है। गिर गया, क्या करूं? तो आपको टाई मिली गई? मुझे टाइस पसंद है, खास कर ये वाली। ये तो मस्त है बहुत। चलो देखते हैं ग्रॉस क्लास में क्या हो रहा है। परफेक्ट। पापा, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। बहुत नींद आ रही है। ग्रॉस क्लास ब्रेकआउट के अगले एपिसोड के बाद तो इसकी जरूरत होगी। थैंक्स मम्मी। चलो पापा, मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ। ओके, क्या उसके बाद वाला एपिसोड भी देख लूँ? जैसा तुम चाहो हेनरी, तुम डिस्टर्ब ना हो इसलिए दरवाजा बंद कर देती हूँ। पसंद आया, बहुत पसंद आया। अब सोने का वक्त हो गया।